हेलो गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लॉ पेपर। मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूंगी फटाफट, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। नर्वस प्लीज बिल्कुल भी मत होना, पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना। लॉ का पेपर जनरली जो है ना लेंदी रहता है, तो कोशिश करना पहले लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट कर लो और लास्ट में बीसीआर करना, क्योंकि बीसीआर वैसे भी मन से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले टू स्टार्ट विद प्रोविजंस, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमें फैक्ट्स लिखना है और थर्ड में हमें कंक्लूजन लिखना है, राइट? और कोशिश करना बड़े बड़े पैराग्राफ्स को अवॉइड करने का, जितना हो सके पॉइंट फॉर्मेट में आंसर्स लिखना। इवन थ्री पैराग्राफ्स में जब आप प्रोविजंस वगैरह हाईलाइट करोगे तो उसको भी आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। अवॉइड राइटिंग सेक्शन अनलेस यू आर श्योर अबाउट इट, गलत सेक्शन लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, ठीक है? सही सेक्शन का मार्क्स मिले चाहे नहीं मिले, बट गलत सेक्शन के लिए मार्क्स जरूर कटेगा। और जितना हो सके अगर केस लॉज वगैरह याद है तो हाईलाइट करके आइएगा और आंसर्स को नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में लिखिएगा। एंड दैट डज नॉट मीन्स कि आपको बहुत खूबसूरती से लिखना है, लिखना प्रेजेंटेबल तरीके से है, मतलब ज्यादा काटापुटी मत करना क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको लगता है फुल कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो पहले इंप्रेशन ही ना बहुत मैटर करता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है गाइज? सो प्लीज गिव योर बेस्ट शॉट और मुझे पता है आपका पेपर जबरदस्त जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू।